नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। तो अपने बयानों से सुर्खियों में रहे पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे फिर चर्चा में आ चुके हैं। इन दिनों उन्होंने पुलिस का काम छोड़ दिया है और अब वे अयोध्या में कथावाचक करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के मामले के दौरान भी वे काफ़ी चर्चित हुए थे। दरअसल मामले की जांच के लिए बिहार और महाराष्ट्र सरकार के बीच तनातनी के दौरान वे सुर्खियों में काफ़ी आए थे। उनके पास ये पूरा केस था जिन्हें इन्हें सौंपा गया था। तब उन्होंने सुशांत की दोस्त रिया चक्रवर्ती को लेकर भी कुछ ऐसी बातें कही थी जिसको लेकर अब वो पछता रहे हैं और उन्हें शर्मिंदगी है कि उन्होंने इस तरह के शब्द का इस्तेमाल किया। दरअसल बताया जाता है कि उन्होंने रिया चक्रवर्ती को लेकर एक औकात को लेकर बयान दिया था। बाद में उन्हें पता चला कि इसे अपमानजनक माना गया तो उन्होंने इस चीज़ के लिए माफ़ी भी मांग ली। वहीं दोस्तों, पांडे जी की बात की जाए तो पांडे ने पिछले साल विधानसभा चुनाव के पहले बिहार के डीजीपी के पद से वीआरएस यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली थी। वे चुनाव लड़ना चाहते थे, उनकी इच्छा थी कि वे बक्सर से विधायक का चुनाव लड़ें, लेकिन उन्हें ऐन वक्त पर टिकट नहीं मिल पाया। इसके बाद उनका राजनीति से मोह भंग होने लग गया था। धीरे धीरे ईश्वर की राह उन्होंने पकड़ ली और वे अध्यात्म में रंग गए। पांडे इन दिनों अयोध्या में कथावाचन करते हैं। इस नए अवतार की खबर बाहर आई तो वे भी सामने आए और उन्होंने हाल ही में जूम ऐप के थ्रू एक सत्संग भी रखा था। दोस्तों, इस चीज़ को लेकर उन्होंने कहा कि एक समय आता है जब आप जीवन के उद्देश्य को जानना चाहते हैं और ईश्वर को जानना चाहते हैं। वे कहते हैं कि मेरी दिलचस्पी अब केवल ईश्वर में है और ये परिवर्तन अचानक नहीं हुआ है। वे कहते हैं कि हम सोचते हैं कि भौतिक उपलब्धियां हमें खुश कर देंगी, लेकिन असली खुशी भगवान में है। मैं अब केवल भगवान की सेवा करना चाहता हूँ। नेक्स्ट नाइन लाइफ की रिपोर्ट।